बिहार में ठनका गिरने से अब तक 83 लोगों की आज सिर्फ मौत हुई है। सबसे अधिक मौतें गोपालगंज में हुई हैं। गोपालगंज के बरौली, थावे जैसे और भी कई गांव में कटैया थाना के क्षेत्र में बिजली गिरने से लगभग 13 लोगों की मौतें हो गई हैं। सारे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भी लाया गया है, कई लोग घायल भी हुए हैं। गोपालगंज के डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि अब लोगों को बारिश के दौरान अपने घरों में रहना होगा। अब तक 13 लोगों की मौत की जानकारी गोपालगंज से आई है। अब बाकी आपको मैं बिहार सरकार से जारी एक विज्ञप्ति दिखा रहा हूं, जिस विज्ञप्ति में 83 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है। इन लोगों में जो मौतें हुई हैं इसमें वज्रपात से गोपालगंज में 13, पूर्वी चंपारण में 5, सिवान में 6, दरभंगा में 5, बांका में 5, भागलपुर में 6, खगड़िया में 2, मधुबनी में 8, पश्चिम चंपारण में 2, समस्तीपुर में 1, शिवहर में 1, किशनगंज में 2, सारण में 1, जहानाबाद में 2, सीतामढ़ी में 1, जमुई में 2, नवादा में 8, पूर्णिया में 2, सुपौल में 2, औरंगाबाद में 3, बक्सर में 2, मधेपुरा में 1 और कैमूर में 8 लोगों की मौत हुई है। और मुख्यमंत्री ने सारे मृतकों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। बड़ी खबर है बिहार से। इस तरह की बात होने लगी है कि बिजली से और ठनका से लोगों में काफ़ी देर रहा है, पहले नहीं हुआ था। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज हुआ है, अब तो हम लोगों को इसके लिए भी एहतियात करना पड़े। सभी लोगों को चाहिए कि अगर इस तरह बारिश और बिजली भी चमकती है तो लोग घर के अंदर। ठनका से पश्चिम चंपारण में भी 2 लोगों की मौत हुई है, दोनों खेतों में काम कर रहे थे। वहाँ ठनका गिरा बिजली और उससे मर गए। हम लोग अस्पताल मिला सरकारी, तो उनका डेथ घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया। क्या नाम हुआ उनका? विजय कुमार मिश। मौसम विभाग ने अभी फिर से पूरे बिहार में भारी वर्षा की चेतावनी दी है, साथ में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने से मनाही की गई है। गोपालगंज से गोविंद और बेतिया से ब्रजेश की ये खास रिपोर्ट।